Good morning, students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4. So today you are all welcome in this class. And today's our topic is Kaun, which is a very interesting poem from part number 8. Part number 12. Solve some question answer on the basis of the pages 62 to 63. तो बच्चों आज हम इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों प्लीज ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1। कविता में किस शरारती जीव की बात की है? जैसा कि बच्चों मैंने आपको कविता पढ़ाई और कविता में एक शरारती जीव है जो कि रात के समय निकलता है और हमारे घर में कभी बहुत सारा अनाज फैला देता है, कभी हमारी किताबें उतर देता है, कभी तस्वीर की रस्सी काटकर तस्वीर दो टुकड़ों में टूट जाती है, साथ ही हमारे जो कपड़ों के बटन हैं उनको भी छोटे छोटे हिस्से में उतर देता है, जूते चप्पलें इन सब पर नुकसान कर देता है। तो बच्चों कौन सा ऐसा जीव है, किस जीव की बात की गई है जो इतने सारे नुकसान करता है? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे हम। कविता में शरारती जीव चूहे की बात की गई है क्योंकि ये सारे काम कौन करता है? चूहा करता है ना। तो बहुत सारे चूहे घर में रात को निकलते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? बच्चों हमारे बटन काट देता है, हमारी जो जेब है उसको काट देता है जिससे पैसे का नुकसान हो जाता है, चप्पलें कुतर देता है, कपड़े कुतर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी किताबें कुतर देता है। तो इन सब का नुकसान हुआ है। तो इस उत्तर को हम ऐसे लिखेंगे, चूहे ने चप्पल जूते कपड़े तथा किताबें कुतर दी है ना। ये सारे नुकसान चूहे ने हमारे घर में आकर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तुम्हारे हिसाब से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा चूहों ने किया है? तो बच्चों नुकसान तो चूहे ने बहुत सारे किए हैं, लेकिन इन नुकसानों में जो सबसे बड़ा नुकसान है बच्चों वो है हमारी किताबों का, क्योंकि किताबें क्या होती है, हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होती हैं एक स्टूडेंट के लिए, और एक किताब से कई बच्चे पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन की जो बुक्स हैं, जब वो उस क्लास को पास आउट कर जाता है तो नेक्स्ट ईयर अगले साल छोटे भाई बहन उनसे पढ़ लेते हैं, है ना। तो एक ही किताबें जो होती हैं उनसे कई जनरेशन पढ़ सकती है। और मान लीजिए आपका कोई रिपोर्ट कार्ड है ना, उसे आपने सेफ अच्छी तरह रखा है, लेकिन किसी तरीके से वह चूहों के हाथों में पड़ जाता है तो चूहे उसे कुतर डालने पर क्या वो फिर से दोबारा बनेगा? बन भी जाएगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी, है ना। एक बार के लिए हम पैसों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अपने जरूरी कागज तथा जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी किताबें होती हैं, उनका नुकसान जो होता है वो इन सभी नुकसानों में सबसे बड़ा होता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, चूहों ने किताबों को काटकर सबसे बड़ा नुकसान किया है क्योंकि एक ही किताब से कई बच्चे पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न है, रात भर कौन शरारते करता है? बच्चों रात भर क्या होता है कि चूहा निकल कर आता है और कौन करता है? चूहा करता है, क्योंकि दिन भर तो क्या होता है, चूहा इधर उधर छिपा हुआ रहता है, लेकिन रात के समय वो छिपे हुए स्थान से निकल कर आता है और घर के सारे सामान को उलट पुलट कर देता है, खुर खुर की आवाजें निकालता है, खुद तो पूरी रात जागता ही है लेकिन घर वालों को भी चैन से सोने नहीं देता है। तो चूहा बहुत ज्यादा परेशान करता है। बच्चों अब मैं कुछ और प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी और आपको ध्यान से समझने होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हमारे और भी कई प्रश्न है जिन्हें मैं अब यहाँ लिखूंगी ताकि आपकी कोई समस्या ना रहे। पहले मैं इन्हें रफ कर लेती हूँ, उसके बाद उन प्रश्नों को यहाँ पर लिखूंगी। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, आई थिंक 5 और 6 ऐसे ही कुछ होगा। कबाड़ी, जो
कबाड़ी होता है बच्चों, मैंने बताया ना जो आपके घर से टूटा फूटा प्लास्टिक कागज ये सब लेके जाता है, क्या क्या सामान खरीदता है कबाड़ी, क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदता है बच्चों? कबाड़ी जो होता है वो हमारी घर से टूटा फूटा प्लास्टिक का सामान, पुरानी किताबें है ना, और टूटे फूटे जो पुराने कागज होते हैं फटे पुराने, वो सब खरीदते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टोर में रखा हुआ, स्टोर में रखा हुआ पुराना सामान, पुराना घर का सामान, घर का सामान जैसे कि मेज, पंखा है ना, और प्लास्टिक का सामान, सामान तथा और क्या क्या खरीदता है, तथा पुरानी किताबें, पुरानी किताबें, अखबार आदि खरीदता है। नेक्स्ट बच्चों, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करती है? तो देखो यहाँ पर पुराने सामान का मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, पुराने सामान का कबाड़ी क्या करती है ना, हम क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या करती है कबाड़ी, पुरानी सामान को फैक्ट्री ले जाता है ना, फैक्ट्री या फिर जहां पे पुराने सामान को बेच देता है, और पुराना सामान बनाकर फिर से उससे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। देखो कबाड़ी पुराने सामान को बेचता है, और पुराना सामान गलाकर फिर से, मतलब फैक्ट्री वाले जो होते हैं बच्चों, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, नया नया सामान बनाया जाता है, वहां पर बेच देता है, और फिर पुराने सामान को वहां पर गलाकर फिर से उससे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। इस तरीके से हमारा जो पुराना सामान है वो रिसाइकिल हो जाता है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकती है। तो बच्चों जब कबाड़ी वाला आपके घर आए तो आप अखबार वगैरह बेचना, तो आपको उसके भाव का पता लग जाएगा। ये काम आपको खुद करना है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? यदि कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदता है तो बच्चों हमारे घर में पुरानी रद्दी का ढेर लग जाएगा, हमारा जो घर है वो कबाड़ खाना लगने लगेगा। तो इसीलिए टाइम से हमको ये सारी चीजें कबाड़ी वाले को देता रहना चाहिए। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज, बेटा बच्चों में ये पेज नंबर 65 पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं आप सभी को पढ़कर बताती हूँ।
तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस आई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाएगा। तो बच्चों कैसे निपटा जा सकता है शरारती जीव से? या तो हम क्या करेंगे, उसे झाड़ू से मार मार कर भगाने की कोशिश करेंगे। यदि वह बाहर नहीं जाता है तो हम चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है बच्चों को लेकर आएंगे और उसमें थोड़ी सी रोटी रखेंगे ताकि खाने की लालच में चूहा अंदर आएगा और फंस जाएगा और उसे हम बाहर छोड़ आएंगे। क्योंकि यदि हम उसे मार देंगे तो ये जीव हत्या होगी जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमें चूहों को पिंजरे में पकड़ कर ही घर से भगाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको मेन मेन चीजें थी, खलीता, खलीता का अर्थ बताया, पॉकेट जिसमें हम पैसे रखते हैं, छन्नी महीन कपड़े जिनसे कई सारी चीजें छानी जाती हैं, और धाता का मतलब होता है दौड़ना, इधर उधर दौड़ना। तो बच्चों कुछ सामान ऐसा होता है जिसे चूहे आराम से उतर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है उतरा जाने वाला सामान, ठीक है बच्चों, जिसे आसानी से चूहे क्या कर सके, उतर दें, और एक बिखरने वाला सामान जो बिखराया जा सके, बिखराया जा सके। नेक्स्ट है बच्चों काटा जा सके, जिसे हम आसानी से काटा जा सके। तो देखो बच्चों कुछ सामान ऐसे होते हैं उतरा जाने वाला, तो कागज, बच्चों कागज को देखना चूहे बहुत आराम से उतर देते हैं, है ना। कपड़े हुए, कपड़ों को कर देते हैं, बटन हुए आपके, इन सब चीजों को आराम से उतर देते हैं और उतर के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। अब बिखेर क्या क्या सकते हैं, दूध होगा तो उसे फैला देंगे, अनाज होगा बच्चों चाहे वो कुछ भी हो उसे आराम से फैला देंगे इधर उधर, सब्जियां होंगी बच्चों तो चूहे उनको क्या करेंगे, सब्जियों को भी, सब्जियां होती हैं उनको भी फैला देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं। काटा जा सके तो बच्चों आसानी से किस किस चीज को वो काट सकते, काट को जैसे कि हमारे कपड़े हुए उनको भी काट सकते हैं, रस्सी को भी वो कुतर देते हैं धीरे धीरे, रस्सी को काट देंगे जिससे कि तस्वीर गिरकर दो टुकड़ों में बट गई, जूते हुए हमारे जूतों को, चप्पल आगे से, तो इन चीजों को आसानी से काट देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।